हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलिस टच। और मैं हूँ अंजलि। तो देखिए, मैं आज इस मेकअप लुक को दिखाऊंगी। ये मेकअप लुक वो जिस दिन सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो जो मेरा स्टूडेंट को मैं सर्टिफिकेट दी थी, उस दिन का मेकअप लुक है। तो चलिए मैं पूरा दिखाती हूँ मैं कैसे किया। पहले मैं टोनर से क्लीन करती हूँ और उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र के लिए यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का ड्रे क्रीम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये विंटर के टाइम स्किन को मॉइस्चराइज़र करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। और गुड वाइब्स के सीरम भी मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये रोज टिप हिप है, तो ये भी बहुत अच्छा सीरम है विंटर के लिए। चलिए पहले मैं आई को सेट करूँगी कंसीलर से। कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड करके फिर मैं पाउडर से सेट कर लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, सॉरी नॉइज़, बाहर का। मैं बाहर हूँ, बाहर मतलब मैं पार्लर के पास मेरा जो स्टूडियो है वहाँ पे मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यहाँ का गाड़ी का आवाज़ आ रहा है। सो सॉरी, प्लीज़ इग्नोर कीजिए वो सब। मैं मेरून कलर लेके लाइट मेरून कलर लेके पूरा देखिए आई के ऊपर ऐसे करके ब्लेंड कर रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया आज, हल्का ही मेकअप रखा, क्योंकि कहीं नहीं जाना है मुझे, यहाँ रहना है और मस्ती करने के लिए रहना है। इसीलिए मैं रेड को लेके आई लिड के ऊपर लगाया, इस तरह ब्लेंड कर लिया। और मैं जो कह रही थी, हाँ, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं किया, ज़्यादा हेवी नहीं किया, क्योंकि कहीं नहीं जाना है, इसीलिए जाना हो तो और हेवी करती थी मैं, बट कहीं नहीं जाऊंगी। तो आप देख ही सकते हैं ऐसे करके। और लाइनर आज मैं नहीं पहनी हूँ, लाइनर नहीं, और ये है ब्लैक शेडो लेके मैं इस तरह लाइनर की तरह ड्रॉ किया। कहीं नहीं जाऊँगी इसीलिए मैं ऐसे किया। घर पे हो तो, घर पे कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, अच्छा लगता है, हेवी नहीं लगता, बट मेकअप थोड़ा सा मेकअप लगता है, बट थोड़ा ज़्यादा नहीं। ऐसे करके आप मेकअप कर सकते हैं घर पे। तो ब्लैक लेके मैं इस तरह लाइनर की तरह मैं अप्लाई किया, और उसके बाद लगाने के बाद मैं फिर से एक बार रेड लेके ब्लेंड किया, ताकि वो जो मैं शेडो लगाया ब्लैक शेडो वो अच्छी तरह से मैश हो जाए सबके साथ। और अभी मैं प्राइमर लगा रही हूँ, ये मार्स का प्राइमर है, बहुत अच्छा, 24K गोल्ड ये है फेस प्राइमर, बहुत ही अच्छा है। सो आज मैं लैक्टोकैलामाइन यूज़ करूँगी। मैं कोई बाहर नहीं जाऊँगी इसीलिए घर पे रहूँगी। और ये लैक्टोकैलामाइन बहुत ही अच्छा फाउंडेशन का काम करता है, ज़्यादा मतलब हेवी कवरेज नहीं है, बट हल्का सा लगता है कि हम कुछ अप्लाई किया फेस के ऊपर, तो इसीलिए मैं ये अप्लाई किया आज। मैं जब भी हल्का मेकअप करती हूँ तो लैक्टोकैलामाइन को मैं यूज़ करती हूँ। इसे आपको जो स्किन है वो भी डैमेज नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी आप ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करो तो मेरा तो होता है, आप लोगों को क्या नहीं होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे होता है कभी मैं फाउंडेशन लगाऊँ तो, ज़्यादा फाउंडेशन लगाऊँ तो मुझे दाना दाना सा आ जाता है स्किन के ऊपर। अभी मैं बनाना पाउडर से पूरा मेकअप को, मतलब जो लैक्टोकैलामाइन मैं यूज़ किया था वो पूरा सेट कर लूँगी इससे, ऐसे ऐसे करके। देखिए ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं कर रही हूँ, और कभी कभी मैं हाथ को कैमरे के पास ले जा रही हूँ ऑफ ऑन करने के लिए, क्योंकि ये मेकअप मैं फ़ोन कैमरे से कर रही हूँ। ये जो मेकअप मैं जब कर रही थी तब कोई नहीं था मेरे पास, फ़ोन कैमरे में ही मुझे करना पड़ा, इसीलिए मुझे पता नहीं कैसे लगेगा, और बार बार मुझे ऑफ ऑन करना पड़ रहा है इसीलिए। सो सॉरी, प्लीज़ ये सब इग्नोर कीजिए।
अभी मैं कॉन्टूर कर रही हूँ, क्रीम नहीं, ये पाउडर है, पाउडर से ही मैं हमेशा करती हूँ, क्रीम ज़्यादा यूज़ नहीं करती। हल्का सा किया क्योंकि पहले ही बोला मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, घर पे रहूँगी, इसी घर पे मतलब स्टूडियो पे रहूँगी, पार्लर पे रहूँगी। वो सब सेलिब्रेशन मैं हम लोगों ने किया, बहुत किया, मतलब अनलिमिटेड डांस किया हम लोगों ने। वो क्लिपिंग मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि इतना अजीब तरह सा का डांस है, वो मैं दिखा नहीं सकती आप लोगों को, मतलब क्या बोलूँ, ट्रस्ट मी, बहुत गंदा डांस कर रही थी सब लोग। मतलब मगर जो सुतोपा है ना हमारा स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा डांस करती है, तो वो भी किया, सब लोगों ने मिल के डांस किया, बहुत एंजॉय किया था। अभी मैं ब्लासन को अप्लाई कर रही हूँ, देखिए इस तरह। और चलिए अभी मैं हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ। देखिए फ़ोन कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है, लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, ये बैक कैमरा हो तो ऐसा नहीं होता, तो क्या करें, प्लीज़ इस बार एडजस्ट कीजिए। दूसरी बार मैं जब मेकअप करूँगी तो फ़ोन बैक कैमरा से ही करूँगी, फ़ोन कैमरे में अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे मालूम हुआ कि नहीं, ठीक ठाक नहीं लग रहा है। तो मेरा जो जो लाइन का जो पार्ट है वो फूल गया। मैं कभी कभी मोटी हो जाती हूँ, कभी कभी अब पतली हो जाती हूँ, ये ऑटोमेटिक हो जाता है मेरे साथ, मुझे पता नहीं क्यों। सो देखिए हो गया है कॉन्टोर, मैं थोड़ा सा लेके हल्का सा, और मैं नोज़ भी कॉन्टोर कर रही हूँ यहाँ पे। बाप रे बाप, उस दिन क्या हुआ, मतलब जो मन चाहा, जिसको जो चाहा वो किया, बहुत अच्छा है वो लोग, मैं मिस करती हूँ, क्या करें, ठीक है यही तो है। अभी मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ, आईब्रो मुझे ज़्यादा फिल नहीं करने की ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि मेरा ऑलरेडी मोटी है, मैं हल्का सा करती हूँ। और लोअर लैश लाइन पे मैं रेड कलर को पहले अप्लाई करके और उसके बाद मैं लाइनर को अप्लाई करूँगी। नीचे मैं ब्लैक शैडो लेके मैं किया था, और ऐसे करती हूँ मैं, देखिए ब्लैक शैडो से ही मैं लाइनर ड्रॉ। मैं बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, इतने गुस्सा हो गई थी मैं, मुझे पता नहीं मैं क्या कह रही थी उसके साथ, कोई तो थी तब। सो देखिए मैं ब्लैक शैडो लेके इस तरह पूरा किया, और अभी मैं लेस आईलैशेस सॉरी क्या क्या कहती हूँ मैं, आईलैशेस को अप्लाई करके मेरा लिपस्टिक भी मैं अप्लाई कर लिया था, और उसके बाद देखिए मेरा मेकअप लुक को, मैं आज एक चोकर भी पहनी हूँ और ये इयररिंग्स नए हैं रेड, तो ये पूरा लुक अब देखिए। सो कैसे लग रही है, मैं कैसे लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। सो मैं खुले बालों में रही आज, तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, लव यू, थैंक यू।